नमस्कार, ब्रह्मासुई के लेसेस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे लौकी का थेपला, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। ब्रह्मासुई के लेसेस रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो लौकी लिया है। लौकी को मैंने छील करके और इसे कद्दूकस करके रख लिया है। नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है। एक कप हमने गेहूं का आटा लिया है, आधा कप बेसन, घी आवश्यकता अनुसार लेंगे, 50 ग्राम दही, थोड़ी सी खट्टा दही है ये, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच सफ़ेद तिल, एक टुकड़ा अदरक का हमने कद्दूकस करके रख लिया है, एक हरी मिर्च को मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है और मिर्च का बीज हमने निकाल दिया है, एक चम्मच हरी धनिया कटी हुई, एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर और एक चौथाई चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका डो लगाकर तैयार करना होगा। तो हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है और उसके अंदर गेहूं का आटा डाल देंगे, बेसन डाल देंगे और उसके अंदर ये ग्रेट की हुई लौकी डालेंगे। इसका पानी मैंने नहीं निकाला है, इसके साथ ही इसे हम गूंथेंगे। अब हम इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च डालेंगे और ये मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर, सफ़ेद तिल, हरी धनिया और इसके अंदर दही डाल देंगे। और इसके अंदर आधा चम्मच नमक डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं लौकी के पानी में भी हमारा आटा इतना गूंथ गया है। तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका मुलायम डो तैयार करेंगे। जिस तरीके से हम पराठे के लिए तैयार करते हैं, उसी तरीके से हमें इसे गूंथ करके तैयार करना है। और आटे के अंदर मैंने सफ़ेद तिल डाला है। आप चाहे तो इसके अंदर जीरा या फिर अजवाइन भी डाल सकते हैं, जिसका फ्लेवर आपको पसंद हो वही चीज़ इसके अंदर डालिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक मुलायम डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम एक चम्मच घी डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर से भी थोड़ा सा घी लगाएंगे। पूरे आटे में इसे हम लगा देंगे और 10 मिनट के लिए इसे हम ढक करके रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और आटा भी हमारा अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है, ये अच्छे से सेट हो गया है। इसे हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसकी लोइयां तोड़ेंगे। थेपला बनाने के लिए हम इसकी लोइयां तोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा आटा लेंगे हम। एक बड़े नींबू के साइज में हमें इस तरीके से छोटा छोटा आटा ले लेना है। अब हम थेपला बनाना शुरू करते हैं। तो आटे में से एक आटे की लोई हम उठाएंगे और इसे बेलना है हमें। तो हल्का सा सूखा आटा लगा लेंगे चकले पर और इसे इसके ऊपर हल्का सा दबा देंगे। अब इसे हम बेल लेते हैं। चारों तरफ से हमें एक बराबर इसे बेलना है, कहीं से मोटा या पतला ना हो। और इसे हमें पतला ही बेलना है, बहुत मोटा नहीं बेलना है। और ये मैंने थेपला बेलकर तैयार कर लिया है। जितना छोटा या बड़ा आप बनाना चाहें उस हिसाब से इसे बेलकर तैयार कर लेना है। तो अब इसे हम सेक लेंगे। सेकने के लिए मैंने गैस पर तवा रख दिया है और मैंने गैस को ऑन कर दिया है और तवा हमारा गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें से धुआं निकलने लगा है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर थेपला को डाल देंगे और एक साइड में हल्का सा ब्राउन होने तक हम सेकने देंगे। और जब तक हमारा थेपला सिक रहा है, इसी तरीके से दूसरा थेपला हम बेलकर तैयार कर लेंगे। हमने इसके अंदर सूखा आटा लगाया है, आप चाहे तो इसे घी लगाकर भी बेल सकते हैं। इसे भी बेलकर हम तैयार कर लेते हैं। अब हम थेपले को पलट देते हैं और आप देख सकते हैं हल्की सी चित्ती इसमें पड़ गई है। हमें मीडियम आंच पर भी थेपले को सेकना है, बहुत तेज़ नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। अब ऊपर से हम थोड़ा सा घी लगा देंगे
थोड़ा सा साइड में भी डाल देंगे। आपको जितना घी पसंद हो उस हिसाब से ही आप डालिए, ज़्यादा या कम आप अपने पसंद के अनुसार कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नीचे साइड में हम ब्राउन होने देते हैं, फिर से इसे हम पलट लेंगे। अब हम इसको पलट देंगे और दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम सेक लेंगे और इस साइड में भी थोड़ा सा घी लगाएंगे, हल्का से इसे हम दबा देंगे इस तरीके से। इसे हम सेक लेंगे और ये थेपला हमारा अच्छी तरीके से सीख चुका है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छा सा स्पॉट पड़ गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में और दूसरा थेपला भी इसी तरीके से हम सेकेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम घी लगा देंगे और थेपले को हम डाल देंगे और इस तरीके से थेपला हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम सर्व करते हैं। इसे सर्व करने के लिए मैंने प्लेट रख लिया है और इसके अंदर हमने रखा है दही और ये चटनी। इसके साथ ये थेपला खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप अपने मनपसंद चटनी या फिर सॉस इसमें रख सकते हैं। और ये हमारा गर्मा गर्म थेपला बनकर तैयार हो गया है। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी होता है। इस तरीके से आप थेपला बनाइए, आपको ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। आप इसे बनाकर बच्चों की टिफिन में दे सकते हैं, ऑफिस ले जा सकते हैं या फिर नाश्ते में बना सकते हैं। तो आपकी जब मर्जी हो इस थेपले को बनाइए और खाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट में जरूर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।